दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पा रही है। 7 साल बाद भी किसी को यह पता नहीं है कि मलेशिया के विमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सर्च टीम के लीडर पीटर फोले और ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे की नई थ्योरी ने वैज्ञानिक और MH370 में सवार यात्रियों के परिवार को उनके परिजनों की जानकारी मिलने की उम्मीद जगा दी है। इन्होंने MH370 की पिन पॉइंट लोकेशन बताने का दावा किया है। इसके बाद अब MH370 की तलाश शुरू करने की मांग उठने लगी है। ऑस्ट्रेलियाई सर्च टीम के लीडर पीटर फोले का कहना है कि हाल ही में जो ताजा मलबा मिला है उसके आधार पर हमें फिर से जांच शुरू करनी चाहिए। उनका मानना है कि नई तलाश में हमें कामयाबी जरूर मिल सकती है। हमें हिंद महासागर के नीचे विमान का मलबा मिल सकता है। 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय टीमें MH370 को तलाशने में लगी हुई हैं। खोज अभियान में अभी तक $200 मिलियन करीब 1460 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विमान को ढूंढा जा चुका है मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा है। 8 मार्च 2014 को विमान में 239 यात्री और क्रू सदस्य थे मगर यह विमान हवा में ही लापता हो गया और बरसों तक तलाशने के बावजूद निराशा ही हाथ लगी। यह विमान कभी नहीं मिला, हालांकि कई देशों में इस विमान का मलबा जरूर मिला है। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र से विमान का मलबा मिला है। पिछले साल अगस्त में खोजकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका से प्लेन के विंग का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद से नए सिरे से खोज की मांग उठने लगी। वहीं ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि बोइंग 777 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 200 किलोमीटर पश्चिम में हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। गॉडफ्रे ने दक्षिण हिंद महासागर में इस नए स्थान को चिन्हित किया है। गॉडफ्रे ने अलग अलग डेटा की गणना करके एक निर्धारित सटीक बिंदु हिंद महासागर में लगभग 33 डिग्री दक्षिण और 95 डिग्री पूर्व में चिन्हित किया है। उन्होंने दावा किया है कि विमान के 20 से अधिक टुकड़े अलग अलग जगहों पर बह गए होंगे। साथ ही वह विमान समुद्र तल की 4000 मीटर गहराई पर हो सकता है। उन्होंने पायलट द्वारा विमान को अपहरण करने के भी संकेत दिए हैं। खोज दोबारा किसी ठोस सबूत के आधार पर ही शुरू की जा सकती है क्योंकि इस खोज में $700 मिलियन का खर्च आएगा। ऐसे में परिवार के सदस्यों को इन दावों से उम्मीद है कि खोज दोबारा से शुरू की जा सकती है। वैज्ञानिकों के लिहाज से भी MH370 का मिलना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें तकनीकी खामियों को पता लगाकर दुरुस्त किया जा सके जिनके कारण विमान रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था और भविष्य में होने वाली इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। क्या इन दोनों वैज्ञानिकों के दावे को सही मानकर खोज दोबारा से शुरू करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।